Well, more than 14 deaths have been reported in Amantha at Asha Kiran, the Delhi government's home for the mentally challenged in Rohini. A minor and six women are among those who died at the shelter. An inquiry commission was set up last week to probe the matter and its report is awaited. According to official sources, a majority of inmates who died were aged between 20 and 30 and the cause of deaths was reported to be various health issues including lung infections, tuberculosis and pneumonia. Well, the post-mortem of two bodies is yet to be conducted at the Delhi government-run Baba Saheb Ambedkar Hospital in Rohini, said sources. The reports from the Forensic Science Laboratory are also awaited to rule out food poisoning. Delhi Minister Atishi has ordered a magisterial probe into the deaths. The Aam Aadmi Party leader ordered submission of a report within 48 hours while ordering the inquiry into the matter. ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और एक माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट मैजिस्टीरियल जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। Well, NCW Chief Rekha Sharma today visited the Asha Kiran shelter home. Sharma, speaking to the reporters, revealed that the food that was being served was covered in fungus and children died of starvation. है इनका और ये खाने की तस्वीर मैंने दिखाई है जिसमें फंगल लगी हुई है खाने में। एक बोल में कितना पुराना रोटी और दाल है वो दिया जा रहा है और इसमें अगर आप मेन्यू देखें तो इसमें मटर पनीर है, चावल, दाल, दही सब दिखेगा आपको मेन्यू में, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। ना अंडा मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है बच्चों को। भुखमरी से बच्चे भी मर रहे हैं, भुखमरी से भी। पूरी पूरी कुछ नहीं, पूरी आप कहेंगे कि दाल में काला है, काली ही दाल है। यहाँ Rajyasabha MP Swati Maliwal also visited the Asha Kiran shelter home and said that she will raise the issue in the parliament. इसी शेल्टर मैं जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी तब भी कुछ साल पहले इसी शेल्टर होम में 2 महीनों में 11 मौतें हुई थी। मैंने यहां जाकर इंस्पेक्शन किया था और मैंने बहुत बुरे हालात पाए थे। मैंने सरकार को रिपोर्ट भी दी थी, मैंने सरकार को बताया था कि किस तरीके से महिलाएं वहां पे, क्योंकि स्टाफ ठीक से नहीं है, क्योंकि व्हीलचेयर्स नहीं है, रेंग रेंग के बाथरूम जाने पे मजबूर हैं। इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। मेरी ये मांग है इस मामले में तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और जिन लोगों के कारण, जिन लोगों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। आज दिल्ली में ये हाल हो गया है कि शेल्टर होम्स की हालात जेल से बदतर है। मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगी, जवाबदेही तय होनी चाहिए।